तो दोस्तों आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हो, कहीं पर ट्रिप जाते हो, आप कहाँ पे जाते हो ट्रैवलिंग करने के लिए, चाहे कहाँ भी हो सकता है, तो फॉरेस्ट एरिया में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो जाने के बाद देखिए दोस्तों, आपको इधर पता ही होगा दोस्तों, हम देखिए कई बार क्या करते हैं, रास्ता भटक जाते हैं दोस्तों, कहीं पर भी हो सकता है। तो फॉरेस्ट में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन आपको इधर देखिए रास्ता भटकने के बाद देखिए आपको इधर नेटवर्क भी नहीं मिलता दोस्तों, गूगल में आपको यूज़ करने के लिए, सो चलाने के लिए, हम कहाँ पर है करके देखने के लिए। तो देखिए इस वीडियो में आपको वही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में दोस्तों गूगल मैप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन, और ऑफलाइन आप डाउनलोड करोगे तो दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो उसे, और देखिए बहुत ही आसान तरीके से कहीं पर भी भटके हुए आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा आप कहाँ पर हो करके, तो आप सही रास्ते पे नहीं हो, सही रास्ते पे जाना चाहते हो, तो उधर से गूगल मैप से आप बहुत ही आसान तरीके से जा सकते हो दोस्तों अपने रास्ते पे, अपने ट्रैवलिंग के रास्ते पे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है, इसलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में दोस्तों गूगल मैप को ऑफलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कहीं पर भी ऑफलाइन मैप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों ऑफलाइन में। तो चलिए बिना टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आपका स्वागत है हमारे पवन थोड़ीज यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। और देखिए आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, मैं आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, नहीं तो आप मुझे सर्च भी कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम में, पवन डॉट कोडेज करके मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। तो इधर से देखिए आपको इधर मैं आपको इधर बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हो गूगल मैप्स को ऑफलाइन में, तो आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, कभी भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इधर भी यूज़ कर सकते हो। इधर से आपको इधर देखिए मैप को ओपन कर देना है, तो मैप को ओपन करने के बाद देखिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ। तो देखिए इधर से आप मैप को ओपन कर दिए, तो ओपन करने के बाद देखिए मैं आपको इधर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इधर बता रहा हूँ। तो देखिए मैं इधर से पुणे में हूँ करके आप समझ लीजिएगा, मैं पुणे में, तो पुणे से मैं देखिए गोवा आना चाहता हूँ, तो पुणे से गोवा आने के लिए दोस्तों देखिए इधर देखिए बहुत सारे इधर आपको इधर रास्ते मिल जाते हैं दोस्तों इधर आने के लिए। तो देखिए आप इधर कहीं भी भटकते हो तो दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा, आप ऑफलाइन डाउनलोड करके गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप देखिए नहीं ढूंढ पाओगे दोस्तों मैप को, क्योंकि दोस्तों उधर नेटवर्क ही नहीं आता है, तो नेट आने तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, नेटवर्क ही नहीं आता है। तो इससे अच्छा है दोस्तों आप ऑफलाइन डाउनलोड करके जाओ अपने मैप को, और उधर से बहुत ही आसान तरीके से आप भटक भी गए हो तो उधर से देखिए अपने रास्ते पर बहुत आसान तरीके से आ सकते हो गूगल मैप के और से। तो इधर से आपको इधर क्या करना है, गूगल मैप को डाउन करने के लिए, किधर का भी गूगल मैप को डाउन करने के लिए ऑफलाइन को, इधर से आपको इधर देखिए अपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर देना है, जीमेल के अकाउंट के ऊपर देखिए आपको इधर ऊपर दिखाई दे रहा, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, इधर आपको उधर ऑप्शन मिल जाता है ऑफलाइन मैप्स करके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको उधर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट योर ओन मैप करके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप किस जगह का आप इधर से ऑफलाइन डाउनलोड करना चाहते हो मैप को, इधर से आपको इधर देखिए इसके ऊपर इधर से आपको इधर देखिए चूज़ कर देना है। तो देखिए आप इधर से मुंबई का डाउन करना चाहते हो ऑफलाइन मैप को, तो इधर से आप डाउन कर सकते हो इधर से देखिए, नहीं तो इधर से आप देखिए गोवा का डाउन करना चाहते हो, इधर से पूरा देखिए इतना पूरा गोवा बॉर्डर है, देखिए आप इधर से देख सकते हो इधर का पूरा डाउनलोड कर सकते हो। आप गोवा पे कहाँ पर भी जाओगे तो दोस्तों इधर ऑफलाइन मैप को यूज़ करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा गूगल का ऑफलाइन मैप। और देखिए आप मैं बहुत ज़्यादा भी बड़ा इसे नहीं डाउन कर सकते, तो मैं आपको इधर देखिए दिखा देता हूँ, इतना यहाँ डाउन कर सकते हो, बहुत भी इतना यहाँ डाउन कर सकते हो, तो इससे भी ज़्यादा ऊपर आप नहीं डाउनलोड कर सकते हो इसे, तो छोटे में आप बहुत ही छोटा भी डाउन कर सकते हो, देखिए इतना ही कर सकते हो। तो मैं आपको इधर देखिए लास्ट में आपको इधर साइज बता रहा हूँ, तो इतना ही डाउन कर सकते हो। तो मैं आपको इधर देखिए एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं पुणे से हूँ करके आप समझ लीजिएगा, मैं पुणे से गोवा को आना चाहता हूँ, तो देखिए इस तरीके से आप डाउन कर सकते हो इसे। तो देखिए ये कितना MB आता आएगा वो भी इधर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, मैं आपको इधर देखिए वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं पुणे से मैं गोवा जाना चाहता हूँ, तो देखिए कितना MB डाउनलोड वैल्यू, तो देखिए 295 MB आप इधर से डाउन करना पड़ेगा दोस्तों ऑफलाइन को। तो आपको इधर देखिए डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऊपर आपको इधर क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद देखिए इधर से आपको इधर डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इधर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप इधर से देख सकते हो मैप 5 करके आपको इधर दिखा रहा है, तो इधर से देखिए डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद देखिए इधर आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको इधर और एक बात मैं आपको इधर बता देता हूँ दोस्तों, कहाँ पर भी हो तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको इधर थोड़ा नेट देना पड़ता है तो इसे यूज़ करने के लिए, तो आप थोड़ा इसे नेट दोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा मैप। तो इधर से बहुत ऐसे तरीके से ऑफलाइन मैप को यूज़ कर सकते हो, आपको इधर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तो आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब देख लिए, बाय बाय और जय हिंद।